दोस्तों इंडिया के एक्टिंग सिखाने वाले मशहूर इदारे पूना इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग के हाल में दुनिया भर के अजीम अदाकारों की तस्वीर लगाई गई है और ये तस्वीर हर साल अवामी सर्वे के मुताबिक तब्दील की जाती है। अवाम जिस अदाकार को सबसे ज़्यादा वोट देती है उसकी तस्वीर वहाँ लगाई जाती है और पाकिस्तान की तरफ से इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ वहीद मुराद साहब की तस्वीर है जो अब तक तब्दील नहीं की जा सकी। पाकिस्तान के कई अदाकारों ने कोशिश की कि वहीद मुराद की तस्वीर वहाँ से हटाकर किसी दूसरे अदाकार की तस्वीर लगाई जाए, लेकिन इंडिया में पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ वहीद मुराद साहब ही एक अजीम अदाकार और सुपरस्टार तस्लीम किए जाते हैं और हज़ारों साजिशों के बावजूद अब तक ये एजाज़ वहीद साहब से कोई छीन नहीं सका। मशहूर इंडियन चैनल दूरदर्शन ने अपने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो में वहीद मुराद को साउथ एशिया का सबसे बड़ा अदाकार करार दिया, जबकि आपको मालूम है कि साउथ एशिया में दलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, नदीम, सुधीर, शाहिद, मोहम्मद अली जैसे अदाकार शामिल हैं। इसके बावजूद वहीद मुराद को ही साउथ एशिया का सबसे बड़ा अदाकार तस्लीम किया जाना इस बात का सबूत है कि वहीद मुराद की नाकदरी सिर्फ पाकिस्तान में हुई। बाहर ममालिक में लाखों लोग आज भी वहीद मुराद से मोहब्बत करते हैं, जबकि दूसरे पाकिस्तानी अदाकारों को आज पाकिस्तान में भी कोई नहीं जानता। सवाल यह है कि इतने बड़े अदाकार और सुपरस्टार को किस तरह नाकामी और गुमनामी से दोचार किया गया। वो अदाकार जिसके स्टाइल, सॉन्ग पिक्चराइजेशन और एक्टिंग की कॉपी बॉलीवुड के अदाकार भी करते थे, वो अपने ऐन उरूज के दौर में किस तरह बेबसी का शिकार हो गया और नए अदाकार उस पर हावी किए गए, तो उसका जवाब यह है कि यह बिल्कुल एक सोचा समझा मंसूबा था और एक ऐसी साजिश थी जिसमें बदकिस्मती से वहीद मुराद के अपने घर वाले भी शरीक थे। इंसान की तबाही और बर्बादी की पहली इब्तिदा अपने घर से ही होती है और यही कुछ वहीद मुराद के साथ भी हुआ। कामयाबी हासिद और दुश्मन पैदा करती है। वहीद मुराद साहब के पास दौलत, शोहरत और अजमत की कोई कमी नहीं थी और ऊपर से वो लेडी किलर मशहूर थे और पाकिस्तान की तमाम हीरोइंस समेत लाखों लड़कियां उस पर मरती थी और यही चीज़ वहीद मुराद को दूसरे हीरोज़ के दिलों में नापसंदीदा तरीन शख्सियत बनाने का सबब बनी। फिल्म कनीस की शूटिंग के दौरान वहीद के साथ ज़ेबा ने तस्वीर बनाई और अपना हाथ वहीद मुराद के हाथ में दे दिया तो मोहम्मद अली इस पर इतने सीखपा हो गए कि ज़ेबा को तप्पल रसीद कर दिया। इस तरह फिल्म पुल मेरे गुलशन का में वहीद मुराद और ज़ेबा पर एक गाना अक्सबंद हो रहा था जिस पर मोहम्मद अली शूटिंग से वॉक आउट कर गए और जब मोहम्मद अली और ज़ेबा की शादी हुई तो पहली पाबंदी ज़ेबा पर यह लगी कि वहीद मुराद के साथ काम नहीं करना। इस तरह फिल्म स्टार शबनम को फिल्मों में मुतारफ कराने का सेहरा भी वहीद मुराद के सर जाता है, लेकिन जब फिल्म अंदलीब की शूटिंग के दौरान वहीद मुराद और शबनम पर गीत अक्सबंद हो रहा था के शबनम के शोहर मौसीकार रोबिन घोष ने हंगामा खड़ा कर दिया और ये इल्ज़ाम लगाया कि वहीद मुराद गानों की पिक्चराइजेशन के दौरान हीरोइंस के साथ छेड़छाड़ कर दिया करते हैं। हालांकि वहीद मुराद एक फितरी अदाकार थे और गानों की पिक्चराइजेशन में उनका कोई सानी नहीं था और शायद इन हीरोइंस के शोहरों की वहीद के साथ हसद का सबब यह भी हो सकता था कि लाखों लड़कियाँ वहीद की आशिक थी और ये हीरोइंस भी वहीद मुराद को पसंद करती थी। वहीद मुराद को सबसे बड़ा नुकसान अपने ही दोस्तों ने पहुंचाया था। हिदायतकार परवेज़ मलिक को पहली मरतबा चांस वहीद मुराद साहब ने ही अपनी फिल्म और ज़ाती प्रोजेक्ट अरमान में दिया और जब उनका शुमार छोटी के हिदायतकारों में होने लगा तो पहला वार ही वहीद मुराद पर कर दिया और उन्हें अपनी फिल्मों में कास्ट करने के बजाय उनके हरीफ अदाकारों को लेना शुरू कर दिया, जो वहीद मुराद के लिए इंतहाई तकलीफ का सबब था। अदाकार नदीम की अपनी कोई पहचान, स्टाइल या एक्टिंग स्टाइल नहीं था। वो सर से लेकर पैरों तक बालों, लिबास, बोलने के अंदाज और अदाकारी में भी दलीप कुमार की नकल करते थे और उनका अंदाज चोरी करते थे। अदाकार शायद एक मुकम्मल हीरो थे ही नहीं, उनकी अदाकारी, स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी सब कुछ एक विलन और लोफर एक्टर की थी। इसके बावजूद जब वहीद को छोड़कर उन्हें कास्ट किया जाता तो ये बड़ी बदकिस्मती और एहसान फरामोशी का लम्हा था, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके खिलाफ हो गई थी। आलिया और दीबा को छोड़कर कोई हीरोइन उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थी और हिदायतकार इस अजीम हीरो को मामूली किरदारों में कास्ट करने लगे, जैसे
उनके फिल्म बीन और मद्दाह कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे और यही वजह थी कि उनकी कई फिल्में नाकाम हो गई। फिल्म शीशे का घर में वहीद मुराद को शाहिद के मुकाबल विलन के किरदार में कास्ट किया गया और हालन के सब जानते हैं कि वहीद मुराद किसी सूरत विलन के किरदार में सूट नहीं करते थे और इस पर सितम ये कि वहीद को शाहिद से मार खाते दिखाया गया और उसे फिल्म में लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले दिखाया गया, जबकि हकीकत में ये रोल शाहिद के लिए मौजूद था क्योंकि शाहिद आम जिंदगी में भी कई लड़कियों के साथ खेल कर चुका था। जबकि वहीद मुराद पर लाखों लड़कियां फिदा थी, इसके बावजूद वो सिर्फ अपनी बीवी तक ही महदूद रहे। नतीजा ये हुआ कि फिल्म शीशे का घर नाकाम साबित हुई। इस तरह फिल्म औरत राज में वहीद मुराद को एक औरत के रूप में पेश किया गया जो रानी के सामने नाचती है और रानी एक सीन में उसे ठोकर भी लगाती है। क्या ये सीन और ये किरदार एक अजीम हीरो को अपने हाथों बर्बाद कराने के मुतरादिफ नहीं? इस सीन को देखते हुए बेख्तियार वो कहावत याद आ जाती है कि हीरे को गद्दे के गले में पहनाना। आखिर वक्त में वहीद मुराद साहिब की फिल्मों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह मुनासिब किरदार का न मिलना था और अगर वहीद साहिब हिदायतकार से मुनासिब किरदार देने के लिए कहते तो ये बात मशहूर की जाती कि वहीद मुराद काम न मिलने के बाद अब हिदायतकारों की मिन्नतें कर रहे हैं और ये बातें वहीद साहब को अंदर से कह रही थी और बड़ी जवानी में उन्हें डिप्रेशन का मरीज बना दिया था। आखिरी 3 सालों में तो वहीद मुराद साहब के साथ इतना जुल्म रवा रखा गया कि उन्हें फिल्म के कॉमेडियन के बराबर किरदार मिलते। वो इस फिल्म के मरकजी किरदार नए अदाकार होते। उनकी फिल्में नाकाम थी लेकिन वो नाकाम नहीं थे। 1981 में जब उनकी शाहिद के साथ फिल्म दिल ने प्यार याद किया रिलीज हुई तो सुपरहिट साबित हुई, जिसकी वजह मुनासिब किरदार था जो वहीद मुराद साहब की शख्सियत और जाती जिंदगी के ऐन मुताबिक था। इस फिल्म में वहीद मुराद की अदाकारी और सॉन्ग पिक्चराइजेशन आज क्लासिक का दर्जा रखती है, लेकिन यहाँ वहीद के साथ बदकिस्मती और उनके खिलाफ साजिश काम कर गई और जब यह फिल्म कराची के बेम्बिनो सिनेमा पर गोल्डन जुबली मनाने के करीब थी उसे सिनेमा से हटाकर उनके हरीफ हिदायतकार परवेज मलिक की फिल्म सच्चाई लगाई गई। फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई अदाकार नाकाम हो जाए तो वो हिदायतकार और फिल्म साजों की मिन्नतें और खुशामद करके काम हासिल करने की कोशिश करते हैं और राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े अदाकारों के साथ भी यही हुआ, लेकिन वहीद मुराद ने कभी किसी की खुशामद या चापलूसी नहीं की और अपने दम पर दोबारा उठ खड़ा होने के लिए कोशिश करते रहे। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन कहा जाता है कि उनकी तमाम जायदाद और प्रॉपर्टी उनकी बेगम सलमा मुराद ने अपने नाम की और उन्हें छोड़कर कैनेडा चली गई और यहाँ वहीद साहब को बेबसी और पैसों की तंगी ने मामूली अदाकारों के सामने जलील होने पर मजबूर कर दिया था। वहीद मुराद और शाहिद ने पैसा लगाकर फिल्म मुकद्दर शुरू की और जब वहीद मुराद ने अपने तमाम पैसे लगाए तो शाहिद ने अपना असली रूप दिखाया और वहीद मुराद साहब से छुपने लगे और यूं ये नामुकम्मल फिल्म वहीद मुराद साहब के बहुत बड़े नुकसान का सबब बनी, जिसके सबसे बड़े जिम्मेदार अदाकार शाहिद थे। इस तरह वहीद साहब ने 1980 में अपनी जाती फिल्म हीरो शुरू की और उन्हें अपनी जाती जिंदगी की कहानी करार देते थे और ये फिल्म पैसों की कमी की वजह से वहीद मुराद साहब की अलमिया मौत तक मुकम्मल न हो सकी। कहा जाता है कि फिल्म की हीरोइन बाबरा शरीफ ने वहीद मुराद को इस फिल्म में पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान किया था और स्टूडियो में वहीद मुराद साहब को देखकर रास्ता बदल देती थी। ये बात भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वहीद मुराद साहब की जब कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ लेती और शानदार कामयाबी हासिल करती तो उसे गोल्डन जुबली मनाने से पहले ही सिनेमा से उतारा जाता और इन फिल्मों की तादाद एक दर्जन से ज़ायद है जिन्हें कोई जुबली मनाने से पहले ही सिनेमा से उतारा जाता, जबकि शाहिद नदीम और मोहम्मद अली की कई ऐसी फिल्में मौजूद है जो सिनेमाओं से उतारी जाती इसके बावजूद उन्हें सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली मशहूर किया जाता। वहीद मुराद के आखिरी दौर को माहिरीन मस्नूई जवाल का नाम देते हैं क्योंकि ये एक ऐसा जवाल था जो वहीद मुराद पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया था। ये एक किस्म का बाइकाट था जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार हिदायतकार फिल्म साज और हीरोइंस बराबर की शरीक थी और हद तो यह है कि उनकी आखिरी फिल्म हीरो उनकी वफात के 2 साल बाद 1985 को रिलीज हुई तो उसे नाकाम करार दिया गया, जबकि हकीकत यह है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर जुबली मनाई थी और सिनेमा पर 34 हफ्ते चली थी
वहीद मुराद साहब अपनों की बेरुखी, दोस्तों की बेहिसी और ज़माने की बदलने के हालात का शिकार हुए। उनकी बीवी सब कुछ अपने नाम करवा कर कैनेडा चली गई और जब वापस आई तो वहीद मुराद साहब मनो मट्टी तले सो चुके थे और उनका आखिरी दीदार भी उन्हें नसीब न हो सका। यही नहीं बल्कि वे वहीद मुराद साहब की बोसीदा और खस्ता हाल कब्र को दोबारा तामीर कराने की तौफीक भी उनकी बीवी बेटी और बेटे को नसीब न हुई और ये काम उनके एक वफादार और जानसार मद्दा और आशिक सैयद अब्दुल वहीद हसन शाह साहब ने अंजाम दिया। अदाकार मर जाते हैं लेकिन हीरो मरा नहीं करते। वहीद मुराद साहब मर कर भी जिंदा है और उनके मुखालिफिन जिंदा रह कर भी मर चुके हैं। नई नस्ल परवेज मलिक, शबनम, जेबा, शाहिद, रोबिन गोश, नदीम को नहीं जानती। आज करोड़ों पाकिस्तानी बाबरा शरीफ के नाम से भी वाकिफ नहीं, लेकिन आज का 5 साल का बच्चा भी वहीद मुराद को जानता है। वो पहले पाकिस्तानी शख्सियत है जिसके बारे में आज लोग सबसे ज्यादा पढ़ते, देखते और सुनते हैं। आज उसकी बेगम सलमा मुराद, बेटी आलिया मुराद और बेटे आदिल मुराद को भी लोग सिर्फ इसी वजह से जानते और पहचानते हैं कि वो वहीद साहब की बीवी और बच्चे हैं और उनकी अपनी जाती कोई शनाख्त नहीं। और वो मरकर आज भी हजारों जिंदों पर बारी है। वो टूट गया लेकिन झुका नहीं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी।